हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट। बात करते हैं आप सभी के फेवरेट टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आज रात के एपिसोड की। तो गाइस, आज रात का एपिसोड होने वाला है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, क्योंकि यहां पर अंगद साहिबा को स्पेशल फील कराएगा। दरअसल एपिसोड की शुरुआत में साहिबा पूल के पास खड़े होकर के अपने बाल बना रही होती है, और तभी अंगद हल्दी वाला दूध और दवाई लेकर आता है और साहिबा से कहता है कि चलो चलो, तुम अभी तो हॉस्पिटल से आई हो और तुम आज ही उठ करके ये सब हरकतें करने लग गई, चलो अंदर दवाई लो और रेस्ट करो। तभी साहिबा कहती है कि वहाँ हॉस्पिटल में नर्स थी, वो इंजेक्शन दवाई करती थी और तुम भी यहाँ दवाई लेकर के आ गए। तभी अंगद कहता है कि प्यारी साहिबा, क्या तुम्हें दवाई नहीं खानी? अगर दवाई नहीं खानी तो क्या डांट खाओगी? तभी अंगद को समझाने की कोशिश करती है साहिबा, लेकिन अंगद नहीं मानता। इन दोनों के बीच में क्यूट सा कॉन्वर्जेशन होता है। तभी साहिबा देखते हुए कहती है, ऊपर ज़रा ये माहौल देखो कितना अच्छा है, और तुम लाए भी हो तो क्या दवाई? तभी अंगद कहता है कि अच्छा, माहौल की कमी है, ज़रा एक मिनट। और अंगद जल्दबाजी में पूल के पास ही अपना छोटा सा क्यूट सेटअप लगाता है, और अंगद यहाँ पर साहिबा को जूस के ग्लास में दवाई डाल करके देता है और जो ड्रिंक के ग्लासेस होते हैं उसमें हल्दी वाला दूध डाल करके देता है। ये दोनों बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर अंगद साहिबा का बहुत बहुत ख्याल रख रहा होता है। तभी छुपके से सीरत देख रही होती है इन दोनों के रोमांटिक मोमेंट और जेलस फील कर रही होती है। यहाँ दिखाया जाएगा साहिबा अंगद पहली बार एक दूसरे से बिल्कुल खुलकर बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पास होंगे, और तभी साहिब अपने बाल बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन अंगद अपने हाथों से साहिबा के बाल बांधेगा और ये मोमेंट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक। शो के अपकमिंग फ्रैंक में आप देखने वाले हैं कि सीरत ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा जलती और फूकती हुई नज़र आएगी। तो वहीं साहिबा को अंगद बताएगा अपने दिल की बात और कहेगा कि तुम्हें पता है जब तुम बेहोश थी ना, तब मैंने तुम्हारा एक निकनेम रखा था SS। तभी साहिबा कहती है, SS मतलब? वो कहता था साधु साहिबा। तभी साहिबा कहती है, अंगद? तभी वो कहता है, अच्छा मजाक था, SS का असली मतलब है सच्ची सिखनी। तुमने अपनी जान पे खेलकर सीरत की जान, साहिबा तुमने सिमरन की जान बचाई है, कोई आसान काम नहीं, तो कोई नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरी वाइफ हो। तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि अचानक से गाना गाने की आवाज़ आने लगेगी, और तभी अंगद और साहिबा दोनों उठ कर के जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है, और तभी वो वहाँ पर कीरत को देख कर के शौक हो जाएंगे, जहाँ पर कीरत कहती नज़र आएगी कि बस बाबा, अब मैं नहीं गा सकती, और वीर उसे रिक्वेस्ट कर रहा होगा बहुत ही रोमांटिक अंदाज में। तभी साहिबा और अंगद वहाँ पहुँचेंगे और कहेंगे, अरे हाँ तो रुक क्यों गई, गाना। और तभी कीरत साहिबा और अंगद को देख कर के शौक हो जाएगी, वो कहेगी, दी जीजू आप यहाँ? तभी सब लोग उसके गाने की तारीफ करेंगे, और आफ्टर ऑल ये पूछा जाएगा कि आखिर तू यहाँ कर क्या रही है। तभी सीरत यहाँ पर छुपके से इनको भी देख रही होगी, और कीरत कहती हुई नज़र आएगी कि दरअसल ये ना ज़बरदस्ती मेरे घर पर आ गया, और ये अक्सर मेरे घर पर आ जाता है और मुझे मजबूर कर देता है बाहर आकर प्रैक्टिस करने पे, और मैं यहाँ कबड्डी की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी साहिबा कहती है कि बेटा कीरत, ज़रा आँख खोल करके देख अपने आजू बाजू, तू कहाँ खड़ी है? तभी वीर छुपके से बताता है, तू बरार मैंशन के गार्डन में खड़ी है कीरत, तू क्या बोले जा रही है? तभी यहाँ पर अंगद को समझ नहीं आता कि आखिर कीरत इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। तभी कीरत कहती है कि मैं तो बस कबड्डी की प्रैक्टिस करने आई थी, और ये मुझे गाना ज़बरदस्ती गवा रहा था, मैं जा रही हूँ। तभी वो लेकर के जा रही होती है अपना गिटार वगैरह, तभी वो कहता है वीर कि पाजी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती है, मैं बस उसी में मदद कर रहा था। इतने में अंगद और साहिबा इन दोनों की लैग पुलिंग कर ही रहे होते हैं कि पीछे से चाची आती हैं, और वो पूछती हैं कि ये सब क्या हो रहा है? अंगद, साहिबा आज ही हॉस्पिटल से आई है ना पुत्र, उसे तो आराम करना चाहिए, और तू उसे कहाँ लेकर के घूम रहा है, ये क्या हो रहा है? और तुम दोनों एक साथ यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तभी यहाँ पर उनको भी ये एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि कबड्डी की प्रैक्टिस, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़नी सीन होने वाला है जिसमें अंगद और साहिबा कीरत और वीर को बचा लेंगे, और तभी ये दोनों भाग जाएंगे। यहाँ दिखाया जाएगा कि साहिबा अपने घर पर होगी रूम में, और तभी कीरत का फ़ोन आएगा और वो उसकी टांग खींच रही होगी और कहेगी कि आखिर क्या चल रहा है तेरा और वीर का। लेकिन यहाँ मजाक मस्ती से अलग बात सीरियस टॉपिक चलेगा, जहाँ पर कीरत साहिबा से कहेगी कि मैं ना दीदी आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रही थी बहुत दिनों से, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब मैं आपसे कह देती हूँ, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। तभी साहिबा कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, चल नहीं करती मैं तुझे परेशान,
चल बता क्या बात है, क्यों फ़ोन किया था। तभी वो कहती है कि दीदी मुझे कुछ टाइम से ना सीधा दीदी का जो बिहेवियर है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो कुछ अजीब सा लग रहा है। तुझे पता है जब भी वो जीजू के आसपास होती है, इन दोनों को मैं देखती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। तभी साहिबा को फार्म हाउस वाले रिवेलेशन के फ्लैशबैक आते हैं, कैसे साहिबा के एब्सेंसी में सीरत अंगद का हाथ पकड़ कर उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी और काफ़ी कुछ कह रही थी। तभी वो कहती है कि आप जानती हो दीदी, जब आप हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब आप नहीं रहे, तब हर कोई फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन सीरत का बिहेवियर इतना ज़्यादा नॉर्मल था, जैसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल थी, जैसे उसने मान लिया हो कि जो हो रहा है वो सब एक्सेप्टेबल है। और इनफैक्ट वो तो जीजू को भी ऐसा बोल रही थी कि अंगद तुम्हें अब जो हुआ है उसको समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी साहिबा कहती है कि मैं ये सब जानती हूँ। तभी किरत कहती है कि क्या आप ये ऑलरेडी जानती हो। साहिबा कहती है कि हाँ, इसके बारे में मैंने सीरत दी से बात भी की थी, लेकिन उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही ज़रा दिमाग चला रही हूँ। तभी यहाँ पर किरत कहती है, लेकिन आप भले ही सीरत दी की तरफ से अलर्ट रहो, लेकिन एक बात तो तय है कि अंगद जीजू ऐसे नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी किरत कहती है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं उनको आपसे प्यार तो नहीं हो गया। तभी वह अंगद आता है, उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि चलो चलो बातें बहुत हुई, अब दवाई खाओ। तभी साहिबा को ज़बरदस्ती वो सुला देता है दवाई देकर। यहाँ पर मनवीर का कॉल आ रहा होता है अंगद के पास, लेकिन मनवीर का कॉल पिक नहीं करता। तभी साहिब उसे समझाने की कोशिश करती है, वो कहती है कि बड़े लोग हैं तो क्या हुआ, हमें उनको भी तो दूसरा मौका देना चाहिए, बड़े हैं तो क्या हुआ, उनसे भी तो गलती हो सकती है, जब बड़े हमारी हर गलती को माफ़ करके हमें अपनाते हैं तो हम क्यों नहीं बड़ों की गलती को माफ़ करके उन्हें खुले दिल से अपना सकते हैं। यानी कि वो मनवीर को माफ़ कर देने के लिए बहुत कुछ अंगद को समझाती है, जिसका असर अंगद पर अभी तो फिलहाल कुछ खास नहीं होता, लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि देर बहुत हो चुकी होती है और अंगद कहता है साहिबा से कि चलो अब तुम सो जाओ। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहां पर सुबह 7 बजे अंगद दौड़ भाग कर रहा होगा और तैयार हो रहा होगा, क्योंकि उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। साहिबा की आँख खुलेगी और कहेगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। अंगद कहेगा कि तुम सो जाओ इतनी जल्दी, तुम क्यों ठीक हो, तुम्हें अभी रेट करना है ना, रेस्ट करना है। तभी साहिबा कहती है कि मैं तुम्हें गुड लक विश करने के लिए उठी हूँ। तभी अंगद अपना वॉलेट ढूंढ रहा होता है, साहिबा अचानक से उठती है, उसके पेट में दर्द हो जाता है। अंगद उसे डांटता है और कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना अभी तुम्हें उठना नहीं है, तुम ये सब क्यों कर रही हो साहिबा, तुम मेरी डांट खाओगी। तभी साहिबा कहती है कि अरे मैं बस तुम्हारा वॉलेट बता रही थी। अंगद कहता है कि तुम चुप करके सो जाओ, रेस्ट करो, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो एक फ़ोन कॉल करना हो। ये बंदा हाजिर है और ज़बरदस्ती वो साहिबा को लिटा देता है। साहिबा गुड लक विश करती है और अंगद स्माइल करते हुए ऑफिस जाता है। जैसे ही वो बाहर जाएगा, मनवीर चाय पर वेट कर रही होगी और इधर साहिबा का कॉल आएगा और वो कॉल पिक नहीं करेगी। मनवीर अंगद को देख कर उसे गुड मॉर्निंग विश करेगी, लेकिन अंगद जवाब नहीं देगा। अंगद फ़ोन पर बात कर रहा होगा और पीछे पीछे मनवीर जाएगी और कहेगी, अब क्या तू अपनी माँ को गुड मॉर्निंग भी विश नहीं करेगा, मैं तो कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस भी आ जाएंगे। अंगद कुछ नहीं कहता, मनवीर बस कहती रहती है कि अगर तू कहेगा तो मैं पुलिस में खुद को दे दूँगी, सबको सच भी बता दूँगी, लेकिन तेरी नाराज़गी मुझसे नहीं झेली जाती। तभी उसे खांसी आने लगती है और साहिबा पानी का गिलास लेकर आती है, मनवीर लेने से मना कर देती है। तभी साहिबा इशारे से अंगद को देती है और मनवीर अंगद के हाथ से गिलास ले लेती है। तभी वो दही चीनी लेकर के खड़ी होती है और ये देखकर मनवीर उस पर फूट पड़ती है और कहती है, क्या दिखाना चाहती है, तेरा पति तेरे हाथ से दही चीनी खाता है और अपनी माँ के हाथ से पानी भी नहीं लेता, ना गुड मॉर्निंग विश करता। तभी साहिबा कहती है, मनवीर मैम मैंने इस बारे में आपको फ़ोन भी किया था और वॉइस मैसेज भी छोड़ा था, लेकिन ना तो आपने फ़ोन उठाया ना वॉइस मैसेज पढ़ा। तभी यहाँ पर वो चेक करती है तो वाकई में साहिबा दही चीनी के लिए ऑलरेडी मनवीर से रिक्वेस्ट कर रही होती है। ये देखकर के वो झटके से दही चीनी लेती है और अंगद को खिलाती है, और अंगद साहिबा को देखता है और उसके इशारे का इंतज़ार करता है और फिर मनवीर के हाथ से दही चीनी खा लेता है। यही सब दिखाया जाएगा शुरुआत के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर ये मनवीर और साहिबा के बीच की जो दूरी है वो कब और कैसे ख़त्म होगी। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।